ओफो क्या करूँ क्या करूँ। अरे हाँ वो अंजलि बैठी है, उसे बुलाती हूँ। ओ अंजलि की बच्ची इधर आ, अंजलि की बच्ची जल्दी इधर आ। क्या हुआ अर्षिता? देख मेरे पास कितना महंगा आईफोन है, तेरे पास है क्या? सॉरी सॉरी मैं तुझसे पूछ ही क्यों रही हूँ, तू तो गरीब है, तू ये सब कैसे ले पाएगी? गरीब कहीं के, तेरे पापा तो गरीब हैं, लोगों की चप्पलें सिलते हैं, तू ये आईफोन कहाँ ले पाएगी? चल हट यहाँ से, तू मेरे पास आकर क्यों खड़ी हो गई? मुझे तो सिर्फ अमीर लोगों से दोस्ती करना पसंद है, तू तो एक गरीब है। चल भाग यहाँ से अब, भाग भाग। मैं हूँ सबसे अमीर लड़की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओ पहुंची वाली, देख मेरे पास कितना अच्छा और कितना महंगा लैपटॉप है। अरे अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तुझसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि तू तो पहुंचा वाली है ना, तू तो ये सब ले ही नहीं पाएगी। कितनी गरीब है ये। पता नहीं अब कौन है। घर पे मम्मी है तुम्हारी बेटा? नहीं वो तो किटी पार्टी में गई है। क्यों? मैं प्रसाद लेकर आई थी, काम करो तुम ही ले लो। नहीं मैं प्रसाद नहीं खाती तुम जैसे गरीब लोगों का। ओ, ओ मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ कि मेरी मम्मी किटी पार्टी में गई है, क्योंकि तुम जैसे गरीब तो किटी पार्टी को जानते ही तक नहीं हो। और ना मैं तुम जैसे गरीब लोगों की चीज से हाथ तक नहीं लगाती, समझी ना? लेके जाओ इस सड़े से प्रसाद को यहाँ से, मैं नहीं खाती तुम जैसे गरीबों का सड़ा सा प्रसाद। बेटा प्रसाद तो प्रसाद होता है, इसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। और आपने मुझे आपका फालतू का ज्ञान मत बांटिए, और आपके फालतू से लेक्चर्स आपके पास रखिए, और अब जाओ यहाँ से। मैं नहीं खाती तुम जैसे गरीब लोगों की एक भी चीज। चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे गरीब से लोग। क्यों रे लंगड़े, तू लंगड़ा है और मुझसे दूर ही रहना, तू कितने दिनों से ना आया नहीं होगा। मुझे इतने वहां तक छोड़े आओ ना, मुझसे दूर रह। अरे छोड़े आओ ना प्लीज, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, छोड़े आओ। मुझे पैसे मैसे नहीं चाहिए, तुमको मैं तुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल और अमीर हूँ, तू कितना काला है और तेरा तू तो लंगड़ा भी है। छोड़ आओ ना, चल भाग यहाँ से, मैं तुम जैसे पागल और लंगड़े लोगों से दूर ही रहती हूँ। वो तो क्या हुआ, मैं खाते खाते बेर और जा रही थी इसलिए मिल गया। छोड़, बाय बाय, तू खुद ही चल कर आ जाना। क्यों रे लंगड़े, तू अभी तक नहीं गया, चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, चल। खराब कर कर रखा है, चलो थोड़ा सो जाती हूँ। अबे ओ इधर आ, इधर आ। देख तेरे पास क्या है? मेरे पास आईफोन 11 है, तेरे पास क्या है? तू भाई रही कंगाल की कंगाल। मेरे पास देख कितना बड़ा मोबाइल है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। कंगाल कहीं की गरीब। कंगाल कहीं की। चल फूट यहाँ से, मैं गरीब दोस्त नहीं बनाती, चल हट यहाँ से, कंगाल कहीं की। हाँ
देख तू सबका मजाक उड़ाती थी ना, भगवान ने तुझे भी गरीब कर दिया, अब लगाती है ना जिंदगी भर पोंछा, क्या करेगी मजाक उड़ाने का नतीजा अब जिंदगी भर पोंछा लगाते रहेगी। अच्छा हुआ तेरे पापा का सारा बिजनेस चौपट हो गया और तेरी माँ कंगाल हो गई अब उड़ा मजाक कितनों का मजाक उड़ाएगी, लगा ढंग से पहुंचा नहीं तो मारूंगी। आंटी आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे प्रसाद दे दो ना प्लीज। तू तो गरीबों का प्रसाद नहीं खाती ना, अब क्यों मांगने आई है मेरे पास? आंटी प्लीज दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी आंटी प्लीज। बहुत अपमान करती है तू गरीबों का, तेरे नसीब में नहीं है बिल्कुल प्रसाद मरसाद, मैं नहीं दे रही तुझे कोई प्रसाद। आंटी प्लीज दे दो ना आंटी। नहीं यूं भूखा मर मांगती फिर किसी किसी से, लेकिन मैं तुझे प्रसाद नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तूने ना बहुत अपमान किया है। प्रसाद का तो हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, तू ना बहुत घमंडी है, तू प्रसाद खाने की बिल्कुल भी लायक नहीं, चल भाग। आंटी भगवान ने लगड़ी बना दी, देख ला तूने मुझे लगड़ा, मुझे वहां तक छोड़ दो, जिंदगी भर ऐसे ही मुझे वहां तक छोड़ दो, कोई है कोई मेरी मदद करो कोई है। कितना अच्छा हुआ ना मुझे ये सपना आ गया, मैं लोगों के साथ गंदा व्यवहार करती थी, मुझे उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, चलो मैं माफ़ी मांगने चलती हूँ। आंटी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारा मतलब किसी का गरीब का वो मजाक नहीं उड़ाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो आंटी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। ठीक है बेटा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन ध्यान रखना आगे से तुम ना कभी किसी का गरीब किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना बेटा। ठीक है आंटी। ना लो ये प्रसाद खा लो, तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना, एक काम करो तुम पूरा प्रसाद खा लेना ठीक है, पर मेरी बात पर ध्यान रखना, कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। हाँ ठीक है आंटी। उल्टा अपने ऊपर ही होता है फिर भगवान हमें सब, ध्यान रखना। ठीक है आंटी खा लो। हाँ जा। कितने अच्छे लोग होते हैं हाँ, अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो। अंजलि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ अंजलि। तुम आगे से किसी का मजाक मत उड़ाना हर्षिता। ठीक है अंजलि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया। अरे हर्षिता तुम। आंटी आंटी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ आंटी। ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम ना आगे से अब कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग एक समान होते हैं, बस भगवान ने किसी को गरीब बनाया है और किसी को अमीर, बस इतना सा तो अंतर है, लेकिन इंसान तो भाई होते हैं ना। ठीक है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, ठीक है अब मत करना ऐसी गलती कभी भी। हाँ हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मेरा नाम है सोनम प्रजापति और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे मेरे सोशल लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर लेके आती हूँ मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ऐसी ही एक कहानी। सो दोस्तों तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।